जयंती स्टेडियम भिलाई में रविवार को स्टील सिटी क्रॉस कंट्री राज्य स्तरीय रोड रेस का आयोजन किया गया। 8 किलोमीटर के इस रोड रेस में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री दामोदर साहू शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्टील सिटी एथलेटिक क्लब के द्वारा लगातार 14वें वर्ष क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति प्रेम और भाईचारे का संदेश स्वरूप यह क्रॉस कंट्री रोड रेस में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, रिसाली निगम सभापति केशव बंछोर, ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह और छत्तीसगढ़ के महान अनुभवी एथलेटिक के खिलाड़ी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला दोनों ही वर्ग में 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जयंती स्टेडियम भिलाई से शुरू हुई इस रेस में पुरुष वर्ग में युधिष्ठिर साहू और महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्रियंका साहू ने प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों द्वारा 11,000 का नगद पुरस्कार साइकिल और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एथलीट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगभग एथलेटिक्स का प्रैक्टिस करते 10-12 साल हो गया है, अच्छा लग रहा है। पिछले टाइम भी मैं ही चैंपियन रहा हूँ इस इवेंट्स का। लगातार आप दूसरी बार चैंपियन है, क्या अब आने वाले वर्षों में भी आप ही को चैंपियन देखेंगे ऐसा लगता है आपको? जी सर। अभी क्या भविष्य में क्या रणनीति, आगे क्या खेलना चाहते हैं दौड़ के इसमें? अभी डिपार्टमेंट का गेम होने वाला है, सिविल सर्विसेज होने वाला है। पिछले टाइम 2 सिल्वर लेके आया था, तो इस बार सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करें। मेरा नाम युधिष्ठिर कुमार साहू है, मैं NIS कोच विनोद नायर सर के अंडर में एथलेटिक्स का प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा नाम प्रियंका साहू है। कैसा महसूस हो रहा है पहला जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है पहला जीत का। पहले भी अपने कहीं तो फर्स्ट चुनाव? हाँ, मैंने बहुत सारी मैराथन दौड़ी हुई है, काफी सारे मेरे पास गोल्ड मेडल है। आज के रेस को लेकर अनुभव बताएंगे, क्योंकि आज 8 किलोमीटर, आज का 8 किलोमीटर में बहुत अच्छा गया, अच्छा दौड़ी में मुझे अच्छा लगा। आप सुनाई मारा की अपने अपनी बहन को हरा दी, ऐसा है? बोले की कॉम्पिटिशन में ना दो भाई दो बहन, इसलिए खुद पे होकर। घर पे जाकर झगड़ा तो नहीं होगा? नहीं, लोगों से क्या कहना चाहेंगी, अच्छी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो दौड़ रही है, कोशिश कर रही है आगे? और मैं ये कहना चाहूंगी कि उन लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि उन लोग भी और आगे बढ़े, गोल्ड मेडल उन लोग भी प्राप्त करें। आप कितना घंटे प्रैक्टिस करते हैं? ज्यादा नहीं करते, मॉर्निंग और इवनिंग में। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर स्टील सिटी एथलेटिक क्लब के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेश कुमार नायर और क्लब के अध्यक्ष एवं नगरपालिक निगम सभापति केशव बंछोर ने खिलाड़ियों की जीत और आयोजन को लेकर सभी को बधाई दी। पीछे रह गए बच्चे तो पक्का आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, मगर 14 साल से हम लोग निःशुल्क ये दौड़ कराया जा रहा है। इस दौड़ से ही एथलीट बन रहा है, इसी दौड़ से ही हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस और फौज ये सब जगह में हमारे बच्चे लोग नौकरी कर रहे हैं। मगर इस दौड़ का सहयोग करने के लिए हमारा पूरे ऑफिशियल लोग, कोच लोग, पूरे छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन का पदाधिकारी लोग और हमारा जो केशव बंछोर सभापति, उनका सहयोग रहा है, तब जाके सक्सेस हुआ है। आने वाला साल में भी हम लोग करेंगे, निःशुल्क है ये दौड़, निःशुल्क हम दौड़े करा रहे हैं। मैं सुनील कुमार, इसमें वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ मैं और बिल विगत 25 साल से। भिलाई एथलेटिक क्लब द्वारा आयोजित क्रॉस कंट्री रोड रेस का ये 14वां वर्ष है, विनर आ चुके हैं, सभी को मैं बधाई देता हूं। खासकर बालिकाओं का उत्साह देखते बनता था, सभी को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं विनर्स को। और जो पीछे रह गए थे वो भी प्रेरणादायी हैं, वे भी भविष्य में अगले टूर्नामेंट में, अगले रेस में सफल होंगे, विनर होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं केशव कुमार बंछोर, अध्यक्ष भिलाई एथलेटिक क्लब, सभापति नगर पालिक निगम रिसाली। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रॉबिन नमल ठाकुर की रिपोर्ट।